ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश बीजेपी में अगर इस बार किसी मंडल ने सदस्यता टारगेट को पूरा नहीं किया तो बीजेपी के मंडल जिला प्रदेश के चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। बकायदा इस बार बीजेपी में सदस्यता अभियान के तहत 6 से 11 अगस्त तक सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हर मंडल को 6000 नए सदस्य जोड़ने होंगे। प्रदेश बीजेपी में अगर इस बार किसी मंडल ने सदस्यता टारगेट को पूरा नहीं किया तो बीजेपी के मंडल जिला प्रदेश के चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। बकायदा इस बार बीजेपी में सदस्यता अभियान के तहत 6 से 11 अगस्त तक सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हर मंडल को 6000 नए सदस्य जोड़ने होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान केसीसी बैंक चेयरमैन एवं सदस्यता अभियान प्रभारी राजीव भारद्वाज ने बताया कि सदस्यता अभियान में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को टारगेट दिए गए हैं। प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान को तेज कर दिया है। इसी के चलते हमीरपुर के सर्किट हाउस में सदस्यता अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केसीसी बैंक चेयरमैन राजीव भारद्वाज ने की। इस अवसर पर विशेष तौर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, वरिष्ठ सदस्य विजय पाल सोहारू, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा भी मौजूद रहे। चयनात्मक कार्रवाई नहीं होती, वो मंडल के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है, वो जिला के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है, वो प्रदेश के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। फिर जो नए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे वो अपने तौर पर एक अडहॉक कमेटी उस मंडल में बनाएंगे, रेगुलर मंडल वहाँ नहीं बनेगा। अगर वो 20% से 20% तक नई सदस्यता यदि नहीं कर पाएंगे तो। सर, डिजिटल और टोल फी का भी बताया आपने, क्या था सर? हाँ, डिजिटल नंबर एक लॉन्च किया है हमने, वो उसका नंबर है 8980808080। इस नंबर पर स्मार्टफोन धारक मिस्ड कॉल करेगा, उसको संदेश आएगा और जो जो विवरण वहाँ से मांगे जाएंगे, यदि वो नया सदस्य उसको भर देगा तो भारतीय जनता पार्टी का नया सदस्य एनरोल हो जाएगा, उसका हम अपने परिवार में स्वागत करेंगे। इसके लिए शेड्यूल तैयार है जी, ये मुझे लगता है कि 31 अगस्त तक हम सक्रिय सदस्यता बना लेंगे, इसका हमने निर्णय किया है और फैसला किया है। अधिक से अधिक इस बार सक्रिय सदस्य बनने चाहिए, उसके लिए एक हमने टारगेट सेट किया है, एक परफॉर्मा है, उसके मुताबिक जो कार्यकर्ता उस खाके में आएगा वो सक्रिय सदस्य बन पाएगा। केसीसी बैंक चेयरमैन एवं सदस्यता अभियान प्रभारी राजीव भारद्वाज ने कहा कि 31 अगस्त तक प्रदेश में सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और अधिक सक्रिय सदस्य बनाने के लिए टारगेट तय किए हैं, ताकि समय सीमा के अंदर पूरे अभियान को सफल बनाया जा सके और प्रदेश के अंदर जिला मंडल और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करवाए जा सके। आज प्रदेश से जैसे निर्णय हुआ है कि मुझे ये दायित्व दिया गया है सदस्यता अभियान देखने का, मुझे और राम सिंह जी को, तो उसके नाते सदस्यता प्रभारी के नाते, सह प्रभारी के नाते आज मुझे जिला हमीरपुर में आना हुआ मेरा, और इसमें सब कार्यकर्ताओं से बैठकर जो जो निर्णय हमने राष्ट्रीय स्तर पर किए हैं, जो बैठक में निर्णय हुए थे, जो प्रदेश स्तर पर निर्णय हुए थे, उनके विषय में आज सारी चर्चा की है और ये निर्णय किया है कि हर मंडल जो अपनी एग्जिस्टिंग मेंबरशिप है उससे 20% अधिक सदस्य करेगा, और ये निर्णय आज इन सबके सामने रखा है और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, बड़ा जुनून है और कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय किया कि केवल 20% ही नहीं, इससे कई गुना अधिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ नए सदस्यों को जोड़ेगा, ये आज फैसला किया है। सर, एक मंडल को और भी 20% टारगेट इसलिए दिया गया है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक हमें 20% अधिक एग्जिस्टिंग मेंबरशिप से अधिक करनी पड़ेगी, यदि हम नहीं कर पाएंगे तो वो मंडल जो है आने वाले समय में मंडल के चुनावों में अपनी भागीदारी नहीं कर सकता है, ये पार्टी का संविधान है। सर,